हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आदित्य पे। दोस्तों, आज हम Redmi Note 7 में फुल टेम्पर ग्लास अप्लाई करने वाले हैं और देखेंगे फुल टेम्पर ग्लास जो है इसमें सही से बैठता है या नहीं बैठता है और कवर के साथ जो है एडजस्ट होता है या नहीं होता है। इससे पहले मैंने जो है एक नॉर्मल टेम्पर ग्लास का वीडियो बना रखा है। नॉर्मल टेम्पर ग्लास जो इसमें काफी अच्छे तरीके से फिट हुआ था, इवन कवर के साथ भी जो है काफी अच्छे तरीके से जा रहा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं जो है फुल टेम्पर ग्लास इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पास है जो है एक फुल टेम्पर ग्लास जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया था और इसका प्राइस मुझे जो है 119 रुपीज समथिंग पड़ा था और इसका प्राइस घटता बढ़ता रहता है। तो आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं एक जो है वाइपर देखने को मिल जाएगा वेट और ड्राई का। यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल टेम्पर ग्लास को लगाने में किया जाता है। और ये रहा हमारा टेम्पर ग्लास जो कि है 11D और नीचे आप देख पा रहे होंगे Redmi Note 7 और नोट प्रो के लिए जो है ये बनाया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है इससे करते हैं अप्लाई और देखते हैं ये सही से अप्लाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैं जो है इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले मैंने जो है क्लॉथ का इस्तेमाल किया था जो कि मुझे जो है लोकल टेम्पर ग्लास से मिला था, जो कि नॉर्मल टेम्पर ग्लास मैंने लगाया था। और ये क्लॉथ काफी कमाल का कमाल करता है, मतलब ये जो है साफ काफी अच्छे तरीके से कर देता है आपके फोन को और जिससे जो है काफी अच्छे तरीके से आपका फोन साफ हो जाता है। तो बेसिकली अब जो है हम टेम्पर ग्लास को जो है अप्लाई करते हैं अपने फोन में और देखते हैं ये जो है सही से लग पाता है या नहीं। तो पहले लॉक करके जो इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर देते हैं, एक भी डस्ट नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर डस्ट रहता है तो सही से जो है अप्लाई नहीं होगा। और मैं आपको बोलूंगा आप कवर को लगाकर ही टेम्पर ग्लास को अप्लाई कीजिएगा जिससे आसपास अगर कहीं पर भी जो है साइड में बाहर निकलता है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है और एक भी डस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है हाल फिलहाल में, फिर भी मैं अच्छे से देख लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक भी डस्ट नहीं है। अब जो है टेम्पर ग्लास को निकाल लेते हैं बाहर और इससे जो है अप्लाई करते हैं फोन में। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा है बाहर निकालने में तो टेम्पर ग्लास टूट ना जाए, तो इसे जो है बाहर निकाल लेते हैं धीरे धीरे करके। बड़े आराम से काम कीजिएगा क्योंकि टेम्पर ग्लास काफी सॉफ्ट होता है, टूट जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसे बाहर निकाल लिया, अब सिंपली जो है इसे अप्लाई करूंगा। और अप्लाई करने के लिए मैं जो है यहाँ पर लाइट को जो है यहाँ पर जला दूंगा जिससे मुझे जो है परफेक्ट जगह पता चल पाए। तो यहाँ रखने से पहले आप पहले देख लीजिएगा लाइन सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो कैमरा होल पंच होल यहाँ पर सही है, बाकी यहाँ पर नीचे जो है काफ़ी सही है। तो एक बार बैठाने के बाद आपको बीच में टैप करना है, टैप करते ही ये ऑटोमेटिकली बैठने लगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली ये बैठ रहा है और यहाँ पर जो है कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली बैठ चुका है। तो ये जो है मेरा टेम्पर ग्लास अप्लाई हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई हुआ है, बट यहाँ पर हल्का फुल्का आप देखेंगे तो बबल रह गया है। तो इसे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल के लिए जो है बबल हल्का फुल्का है बट ये जो है डे टू डे यूजेस में जो है चल जाएगा। और ये ग्लू का जो है एक ये रहता है, ग्लू का जो है एक दाग टाइप का बोल सकते हैं, तो यही रहता है बेसिकली। बाकी यहाँ पर जो है टेम्पर ग्लास काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुका है और मैं एक बार इसे चार्ज में लगाकर देखता हूँ। यहाँ पर जो है ये लाइट जो है जो सेंसर दिया गया है लाइट नोटिफिकेशन लाइट वो जो है सही से यहाँ पर जो है अलाइन हुआ है कि नहीं, तो एक बार जो है इसे चार्ज में लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन LED सही से अलाइन हुआ है कि नहीं। तो देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन LED भी काफ़ी सही से अलाइन हुआ है, इवन यहाँ पर जो कैमरा होल है वो भी काफ़ी सही से अलाइन हुआ है, ऊपर की तरफ सेंसर दिया गया है। तो टेम्पर ग्लास यहाँ पर जो है काफ़ी सही तरीके से अलाइन हो चुका है और टेम्पर ग्लास ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी कम बबल बबल नहीं आए हैं, यहाँ पर थोड़े एक दो हैं जो कि समय के साथ जो है चल जाएंगे क्योंकि फुल ग्लास में ऐसा होता ही रहता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है टेम्पर ग्लास फिट बैठ चुका है, मुझे ये टेम्पर ग्लास काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रिप कर चुका है और साइड में देखिए थोड़ा भी जो है हमें कोई भी दिक्कत नहीं नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया टेम्पर ग्लास है, आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा, आपको 119 या फिर 129 रुपए के आसपास मिल जाएगा क्योंकि इसका प्राइस जो है कमता बढ़ता रहता है।
सो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट स्क्रीन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।